होगी भाई मेरी बाइक, अभी उनका फोन आया, अब लेने जा रहा हूँ बाइक पे। नया फ्यूल पंप लगा, आई होप कि अब इशू नहीं आना चाहिए। आ गई अपनी बाइक, आज की राइड स्पेंड, चलते हैं भाई बाइक लेने के लिए। हेलमेट मैंने पहन लिया है भाई, बहुत ट्रैफिक है यार अभी तो, ये ऑफिस टाइमिंग है तो वो लोग कहते कि ड्रॉप नहीं मिलेगा क्योंकि लेट हो गया, बंदे ने भी कहीं जाना है, तो फिर आप अपने आप ही आ जाओ, क्योंकि ऑटो लेता कैब लेता तो वो टाइम लगता, बाइक पे क्या जल्दी हो जाएगा। अब तो भाई 6:15 बजे ही अंधेरा सा हो जाता, पहले तो इतनी रोशनी होती थी, अब अंधेरा सा हो रहा है। वहाँ पर जो एडवाइज़र है, मेरी उससे बात तो हो चुकी है, वो कह रहा है मैं 6:30 तक हूँ वहाँ पे। बढ़िया, देखो ट्रैफिक हद से ज़्यादा, पीछे भी था और यहाँ भी लगा पड़ा है, ये बॉर्डर है आई थिंक। पहुँच गए भाई रॉयल एनफील्ड, अब चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं। होगी भाई बाइक, ओल्ड फॉग लाइट को मैंने कवर कर दिया, जो न्यू लगवाई है मैट डॉग की अल्फा, आज उनको करते हैं टेस्ट, उनका मैंने कवर उतार दिया। लेट्स सी, बाइक भी परफॉर्म करे अच्छा और लाइट भी, महंगा फटका बैठ गया। अब दिक्कत तो नहीं होगी ना? अच्छा, इसकी ट्यूनिंग में कुछ इश्यू है? ट्यूनिंग में जैसे अभी स्टार्ट थी तो बंद हो गई थी अपने आप, नहीं जो ठंडी होती है ना गाड़ी थोड़ा सा। देखो इसमें आप आ रहे हो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप यहाँ से जाएंगे सबकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ, जो मेरी इच्छा करेगी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आप भी आगे हाई कर दो। बाइक मुझे लग रहा है दोबारा इशू हुआ है इसमें। यार अभी तो ठीक है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, पता नहीं दोबारा ना, बिकॉज अभी जैसे बाइक बंद हो गई थी, मैं स्टार्ट कर रहा था तो कल वाली साउंड आ रही थी। ट्रैफिक तो भाई अब मिलेगा अच्छा खासा, बाकी ये रौनक अच्छी है यार, लेफ्ट साइड में देखो सोसाइटी फ्लैट्स तो हैं बट मार्केट भी अच्छी खासी है, आई मीन रेस्टोरेंट्स भी इतने सारे हैं, फूड कोर्ट मस्त है यहाँ पे। ये देखो क्या मस्त रौनक है यार, ये बढ़िया लगता है यार यहाँ पे। यहाँ पे करता हूँ टेस्ट मैट डॉग की अल्फा लाइट्स जो न्यू लगवाई है, वो सामने से कोई आ भी नहीं रहा कि जिसकी आंखों में ये रोशनी जो पड़े, और मैंने उतनी ऊपर भी नहीं लगवाई, नीचे ही लगवा रखी है। यहाँ करे टेस्ट, रोशनी तो अच्छी आ रही है बट आई थिंक ये ऊपर जा रही है, पेड़ों पर जा रही है, पर यहाँ पे ऑलरेडी लाइट आ रही है ना तो पता नहीं लग रहा, अभी जहाँ अंधेरा आएगा ना वहां करता हूँ टेस्ट। यहाँ करते हैं टेस्ट। ओ भाई ये देखो अभी रोशनी आ रही है, अंधेरा ये देखो यहाँ पे कितनी रोशनी आ रही है। ओ भाई रात को पूरा दिन कर दिया, पैसा वसूल है भाई, ये देखो है ना मस्त बढ़िया। अभी बंद कर देते सामने से, ट्रैफिक आ रहा। ये तो दिक्कत दे रही है यार, फ्यूल तो भरा लिया भाई, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का इशू था ना, इधर नहीं जा रहा, फ्यूल तो भरा लिया भाई, लेकिन जो स्टार्टिंग का इशू है ना वो तो यार अभी भी आ रहा है। अभी पहले बाइक बंद हो रही थी तो समझ आया, फिर जब वहां से लेके मैं निकला था तो दोबारा उस दिन वाला हाल हो रहा था कि मतलब बटन दबा रखा है मैंने स्टार्टिंग का बट स्टार्ट नहीं हो रही, दोबारा उस दिन वाला हाल हो रहा था जैसे मैं वहां से लेके निकला था ना रोड पे आया था तब, क्योंकि बाइक बंद हो रही है वहां से लेके, अब तो 3-4 बार बंद हो चुकी है, तो तब भी एक बार बंद हुई थी, तब जैसे ही मैंने स्टार्ट करी तो फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर मैं रुका तो स्टार्ट हो गई। ये देखो हद है यार,
और ऐसा तो नहीं होना चाहिए बार बार। घर पे मिलता हूँ भाई, मैं मन नहीं कर रहा अभी बात करने का ऐसे। अभी सुबह भी स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक, ये देख लो। क्या ठीक करी है भाई, ये भी नहीं पता नया लगाया कि नहीं लगाया है, ही फालतू में ट्रमा कर। हद यार, थोड़ा लगता है बेफजूल में पैसे चार्ज कर लिए इन्होंने तो। पैसे भी ले लिए और ठीक, मुझे नहीं लगता कुछ नया लगाया भी है इन्होंने, झूठ बोलने में माहिर है। कंप्लेंट के अलावा और कोई चारा है नहीं, अब देखते हैं। आ गया ब्रेकर, देखा होगी बंद। कमाल है यार, आज भाई तीसरा दिन है मेरी बाइक पे स्टिल इशू आ रहा है। आज तो पक्का भरोसा होगा कि हाँ भाई एनफील्ड की बाइक कभी मत लो। जो पहले ओल्ड बाइक आती थी ना वही अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके मैकेनिक अच्छे हैं। बट हाँ, जिसकी बाइक अच्छी निकल जाए वो तो बोलेगा अच्छी है। मेरे पास खुद ऑलरेडी ओल्ड वाली एनफील्ड है जो कि अच्छी खासी है, बट वो ओवर होने वाली है 2025 में, और शुरू से मेरे पास एनफील्ड ही थी। तभी मैंने फिर दी थी हिमालयन, मैं शायद हिमालयन ठीक होगी, बट भाई इनके तो मैकेनिक ही नहीं है इनके पास। 3 दिन हो गए सेम इशू पे काम करते हुए, अब भी रिजॉल्व नहीं हुआ। और इनफैक्ट अभी तो एक कुछ नया इशू आ गया। पहले तो क्या थी, मतलब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ फ्यूल पंप। अब फ्यूल पंप चेंज हो गया, कल चेंज हुआ है। उसके बाद से अब इशू क्या है, अगर आप जा रहे हो जहां आपने रास्ते में ब्रेक मारी बाइक बंद। कितनी बार ऐसा हो गया है अभी, ये देखो होगी ना बंद ऐसे। अब ये नया इशू हो रहा है, बंद क्यों हो रही है, फिर स्टार्टिंग में भी इशू आ रहा। आज सुबह जब बाइक स्टार्ट कर रहा था अभी जाने के लिए तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा पीछे वीडियो में, अगर आपने देखी है तो। अब जा रहा हूँ दिखाने इसी होप में कि हाँ भाई आज हो जाए। 3 दिन हो गए भाई, कुछ और काम नहीं है क्या बंदे को, एक ही काम के पीछे भागता रहेगा बार बार, क्वालिटी रही नहीं है। अब आपको मिलता हूँ सीधा सर्विस स्टेशन। पहुंच गया भाई, सेम प्रॉब्लम बंद। ठीक हुई भी है ये, ओके हुई है तो प्रॉब्लम। ये खड़ी भाई बाइक, अरे मान के राजी ने कि साले कुछ इशू आ भी रहा है इसके अंदर, नहीं बन रहा आएगा तो देखते हैं। अरे स्टार्ट नहीं हुआ, आ गया बंदा, अब देख रहा है भाई मेरी बाइक को क्या इशू है। मरम्मत हो रही है अभी इसकी, हो गया अभी बाइक, अभी टेस्टिंग करने गया, बड़ा था मैं वो किसी बंदे ने ठीक करी थी भाई बाइक, बट आज अगेन सेम इशू। ठीक आ भी गया भाई, यही भाई साहब ने दी थी मेरे को बाइक, पर आज सेम इशू। खैर अभी गया है बंदा, लेट्स सी। आज का ब्रेकफास्ट सर्विस स्टेशन के अंदर पनीर रैप। भाई बोल तो रहा है हो गई है, मैं लेके जा रहा हूँ, पेट्रोल भराते हैं अभी तो पहले। यहाँ तो बहुत रश है भाई, गर्मी तो भाई अत के है यार, ठंड पड़ने का नाम ले नहीं रही और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। बाकी अगर बाइक की बात करूँ, टिल नाउ बाइक इज परफॉर्मिंग गुड, अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो कल इशू आ रहा था और जो अभी रास्ते में एक बार बंद हुई थी, तो मेरे को लग रहा है कि शायद वो बिकॉज ऑफ पेट्रोल, क्योंकि ट्रिप एफ लग गया था। अब तो ठीक चल रही है,
सुबह तो इतनी बुरी हालत थी कि मेरे को रेस देनी पड़ रही थी बार बार, जहाँ रेस ड्रॉप करूँ बाइक बंद, ये हाल था। आई होप कि अब ऐसा ना हो भाई। अभी अभी परीचौक पार हुआ है भाई, जो परसों हुआ था वो याद आ गया। उसी जगह पे परीचौक जैसे ही आता है, गोल चक्कर आता है, वहीं पे मैंने ब्रेक लगाई थी और बाइक बंद हो गई थी। उसके बाद वो लोग आए, ले गए बाइक, फिर कल वापस मैं ले आया, फिर आज दोबारा गया। ये दो तीन दिन ना बड़ा दिमाग खराब सा रहा था। अब तो भाई अच्छी ही चल रही है बाइक। पहुंच गया भाई घर। जो इशू था वो तो नहीं आ रहा इसमें, बट इसमें ब्रेक लाइट का इशू आ रहा। ना फ्रंट ब्रेक चल रही है ना रियर, दोनों ब्रेक्स पर लाइट नहीं चल रही है। अभी जा रहा हूँ मैं यांगचिंग को लेने के लिए, वो दिल्ली गई थी आज, मैं लेने भी जा रहा हूँ, मेरी टेस्टिंग भी हो जाएगी। आ गई यांगचिंग, ये देखो ये रही। फुल फेस वाला हेलमेट गंदा था इसलिए हाफ फेस वाला लाया हूँ। अब चलते हैं भाई घर। नो बर्गर वर्गर, वैसे भी वेट बहुत बढ़ गया है, उससे भी बड़ी बात श्राद्ध चल रहे हैं भाई, अभी नहीं खाना ना। एज पर फैमिली नो नॉन वेज, मुझे वेज वुज वैसे भी अच्छा नहीं लगता। भाई ट्रैफिक देख रहे हो कितना जबरदस्त है, वीडियो गेम खेलनी पड़ती है, zigzag zigzag zigzag, वरना तो भाई पीछे रह जाओ। ये देखो यार मेरे उल्टे हाथ पे, क्या बढ़िया लग रही है ना, एडवेंट की बिल्डिंग है, कलरफुल देखो यार क्या जबरदस्त है। ये देखो भाई परी चौक पे, क्या बढ़िया लग रहा है ना यार, इसमें लाइट्स ऑन हो और अच्छा लगेगा। ये अभी लाइट्स बंद है, सामने भी चल रहे हैं फाउंटेन, ओ देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार। हम कौन से बिठा रहे हैं, हमने बिठा रहे हैं। मैं तो रोक रहा हूँ यहाँ पे, हम तो रोक रहे हो। क्यों ये इसने पानी की बोतल दे दी पापा के पास, असली वाली इसने बोले मेरी बोतल है। अब मैं अंदर गई, मैं कहा बोतल धोने में टाइम लगे, करी दो जल्दी दो जल्दी दो अंदर चलो। ओके तीन साल बाद पहली बार बैठी है। मेरे पास भी है, बड़ी साइकिल है मेरे पास है, ठीक है। याकिम को वहाँ पे ड्रॉप करके मैं यहाँ आ गया अपने घर, वो लोग अभी उधर ही हैं। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आ गया घर पे, अब बस थोड़ी देर में अभी जाता हूँ उन्हें लेके आता हूँ। बाइक भी टेस्टिंग होगी भाई, मेरे हिसाब से फिलहाल तो बाइक ठीक है, लेकिन बाकी हाँ कल जो इशू था और परसों जो इशू हो रहा था, दो दिन से भाई मतलब तीन दिन से जो था, मेरे हिसाब से इशू 99.9% रिजॉल्व हो चुका है, 0.1% है वही जो आवाजें आ रही हैं, वो भी मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो अब बाइक की टेस्टिंग वगैरह सारी हो गई है और इशू भी रिजॉल्व हो ही गया है, अब हम लोग ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई और क्या, जो इशू होना था यहाँ रहते हुए हो गया, आपके बाहर जा रहे हो वहां पे ऐसा इशू हो जाए क्या करोगे, गाड़ी फिर लोड कराओ और घर वापस आओ या वहां पे दिखाओ ठीक कराओ, उतने दिन आपके पास है भी या नहीं भी, सब डिपेंड करता है, सोचना पड़ता है। जो था तीन दिन से वो सब रिजॉल्व हो गया भाई। अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है या कुछ भी बुरा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, और साथ में बेल आइकन भी दबा लो, मेरे आने वाले नई वीडियो का अपडेट आपके पास आता रहे। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा सकते हो, पैसे नहीं लगते हो उसके, पर इंटरनेट तो आपका ऑन ही है, जस्ट फ्री में लाइक बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना है, आपका तो फ्री में हो जाएगा बट उससे मेरा भला हो जाएगा, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से प्लस कमेंट से मोटिवेशन मिलती है यार। वीडियो बंदा जो भी बना रहा है वो मोटिवेट होता है। तो आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए
गुड नाइट, टेक केयर, बाय।